डियर स्टूडेंट्स, 30 चुने हुए शानदार प्रश्नों का एक और संग्रह आज हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना ये है कि कल हम लोग एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित। बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर दुविधा में हैं, संशय है उनके मन में कि उन्हें किस ऑप्शनल को चुनना चाहिए ताकि बीपीएससी को वो क्रैक कर सके। क्या वे साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें साइंस का ही सब्जेक्ट चुनना चाहिए, या फिर वे ह्यूमैनिटीज से कोई पेपर ले सकते हैं। कौन सा पेपर मार्क्स फेचिंग होगा, कौन सा पेपर उनके लिए ईजी होगा, जिसका सिलेबस छोटा हो, कम हो और जो समझने में भी आसान हो, या फिर वे कौन सा पेपर ऐसा लें जो उनके लिए बेहतर हो। तो इन सब बातों पर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन कल हम लोग करेंगे। होपफुली ये मिडनाइट कल आधी रात तक, चूँकि हमारे जो एपिसोड्स हैं वो अधिकतर आधी रात में अपलोड होते हैं, 2-3-4 बजे के बीच, चूँकि उस वक्त नेटवर्क भी अच्छा होता है और मुझे भी इतना समय मिलता है कि इस समय मैं अपना काम कर सकूँ। तो इस पर जो कल एपिसोड आएगा वो आप ज़रूर देखें, उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा लाभ होगा। चलिए आज के 30 चुनिंदा प्रश्नों के इस संग्रह को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और ये कि इस 30 प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा है जिसका ऑप्शन फिफ्थ ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है, एकमात्र प्रश्न। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। पहला प्रश्न इस तरह से है, जानवरों द्वारा जुगाली करते समय उनके मुंह से कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है? जब वे जुगाली करते हैं, खाना पचाते हैं, तो उस समय वो कौन सा गैस, जो दरअसल एक ग्रीन हाउस गैस होता है, वो इमिट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका वे उत्सर्जन करते हैं, इमिट करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्राइमेट्स, जो प्राचीन वन मानुष है, वो हमारे आधुनिक मानव से सबसे करीब है, निम्नलिखित में से कौन सबसे करीब है? ओरैंगटन, गिबन, गोरिल्ला, या फिर लंगूर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरिल्ला। आज का तीसरा प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, जो उसे लाल रंग प्रदान करता है, वास्तव में क्या है? ए, बी, सी, डी, या फिर ई? सोच के अब जवाब दें। तो इसका आंसर है सी। हेमोग्लोबिन दरअसल एक प्रोटीन है जिसमें लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। चौथा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कॉमर्शियल फाइबर जन्म देता है? ए, बी, सी, डी, या फिर ई? सोचकर जवाब दें, ये रेगुलर एग्जाम्स में दिखाई देता है इस तरह का प्रश्न। तो इसका आंसर है दरअसल लार्वा यानी डिम्बक। चार अलग अलग फेजों से होकर जब वे लार्वे के चरण में आता है, तब दरअसल ये सिल्क को जनरेट करता है, जो अपने लिए दरअसल ये एक जाल के रूप में बुनता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ मैच करें, लेकिन इस मैच में आपको मिसमैच को खोजना है कि इनमें से कौन मैच्ड नहीं है, मिसमैच है, ए, बी, सी, डी, या फिर ई? नेचुरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द रिसेंसी, या फिर इंडिका, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रैबो ने नहीं, बल्कि पेरिप्लस ऑफ द रिसेंसी के लेखक का नाम किसी को भी पता नहीं है। यह प्रथम शताब्दी के आसपास भारत और लाल सागर के बीच व्यापार के बारे में जानकारी देता है, इंपॉर्टेंट बुक है। आज का छठा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली किस नदी पर स्थित है? ए, बी, सी, डी, या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी पर माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। छठा प्रश्न, माफ करें, सातवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा कथन सत्य है? आपको चेक करना है कि नीचे तीन स्टेटमेंट्स हैं, क्या इनमें से कोई सही है, सभी सही हैं, या फिर गिने चुने सही हैं। एक, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। इनकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। क्या इनमें से कोई सही है?
ए बी सी डी या फिर ई, ऑप्शन आप देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी ऑप्शन एक दो और तीन सही हैं। आठवां प्रश्न, सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए रिजर्व एरिया है, संरक्षित क्षेत्र है, ए बी सी डी या फिर ई, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर, बाघों के लिए ये दरअसल टाइगर रिजर्व हैं। नवा प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग स्टेट का दर्जा कब दिया गया, चूंकि आप जानते हैं कि बिहार बंगाल के अधीन एक प्रांत था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1912 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसमें घोषणा हुई थी, 1912 में ये निर्णय सामने आया। दसवां प्रश्न, बिहार के किस आधुनिक शहर का नाम उदंतपुरी था, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया या फिर इनमें से कोई नहीं, आज का माफ कर इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। आज का ग्यारहवां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल यानी फर्स्ट कैबिनेट में एकमात्र महिला जो लेडी मिनिस्टर थी वो कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, उषा सहगल, प्रीति लता वॉरियर, राजकुमारी अमृत कौर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। आज का बारहवां प्रश्न, आपको बताना है कि समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी जो पांच अनुच्छेदों में बताया गया है संविधान में, ये निम्नलिखित में से किन आर्टिकल्स के बीच में आता है, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 14-18, 14-18 के बीच, राइट टू इक्वालिटी एक्सप्लेन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तेरहवां प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, ए बी सी डी या फिर ई, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इस पर जारी करता है। आज का 14वां प्रश्न, यह प्रश्न है कि समुद्री रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा किसके शासन काल में भारत आया था, वास्को डी गामा उस वक्त भारत पर कौन शासक राज कर रहा था, ए बी सी डी ई, पांच में से कौन सा आंसर इसमें होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोधी, 1489 से लेकर 1517 के बीच इसका काल है, 1504 में सिकंदर लोधी ने ही आगरा की स्थापना की थी। आज का 15वां प्रश्न, सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर कहाँ का है, किस स्थान का है, सैडल पीक हाईएस्ट पॉइंट, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट पीक। 16वां प्रश्न, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा बॉडी है, पिंड है, जिससे किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं होता, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए वो अंधेरा काला दिखता है, इसकी इस विशेषता का कारण क्या है, क्या कारण है कि वो रेडिएट नहीं करता है, ए बी सी डी या फिर ई, अच्छे से सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक घनत्व, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी। 17वां प्रश्न, गन्ना यानी सुगर केन प्रोडक्शन में राज्यों का सही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, घटते हुए क्रम में बड़े से छोटा कौन है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, ए बी सी डी या फिर, इसे सोच लें, टाइम ले लें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा लेकिन आंसर आपको सही मारना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, फिर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, दरअसल चौथे स्थान पर कर्नाटक अब आ चुका है, आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर है, तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा। आज का 18वां प्रश्न, एशियाई कौन सा एशियाई क्षेत्र है जहां सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, एशिया में कहां हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, अब तक का रिकॉर्ड है, ए बी सी डी, तीरथसुई, ताइफ, सऊदी अरब, कुम, ईरान, कैस, जॉर्डन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा इसराइल। इसराइल में 1942 में 21 जून 1942 को सबसे अधिक अब तक का रिकॉर्ड है एशिया में 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब तक रिकॉर्ड किया गया है। 19वां प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बनाने वाला इनेमल किसका बना होता है? हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है इनेमल हमारे बॉडी में वो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एल्यूमिनेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस ही दरअसल हार्डनेस हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है। ए 19 का 20, कोशिकाओं की संरचना यानी सेल्स का स्ट्रक्चर, उनके कार्य और जीवन चक्र का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, कैलोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। आज का 21वां प्रश्न, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है देश के? वे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फाइनेंस बजट पेश किया है, ए बी सी डी या फिर? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरारजी देसाई। अभी तक मुरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार जारी किया है, जबकि आप जान लें कि पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस षणमुगम शेट्टी ने जो है पहला बजट पेश किया था। 22वां प्रश्न, 1770 में कलकत्ता में स्थापित देश का पहला बैंक फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन था? 1770 में एस्टैब्लिश हुआ था, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, यानी यूरोपियन लोग ही थे, इसमें भारतीय कोई नहीं था, तो इसे स्थापित किया था अलेक्जेंडर कंपनी ने, जो भारत का पहला बैंक था बहुत पहले 1770 में। 23वां नंबर, निम्नलिखित में से कहां बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है? आपको बताना है कि सबसे अधिक बेरोजगारी की दर कहां पाई जाती है, देखी जाती है, ए बी सी डी या फिर सोच लें? तो इसका आंसर हो जाएगा गांव, विलेजेस में आप जानते हैं कि सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है, रेट यानी कितने लोग और कितने बेरोजगार, तो ये रेट गांव में सर्वाधिक है। आज का 24वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? सबसे अधिक फॉरेस्ट कौन सा टाइप है फॉरेस्ट का जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर ड्राई डेसिडियस या फिर ड्राई एवरग्रीन, ए बी सी डी ई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये मुख्य रूप से मध्य भारत और पूर्वी भारतों में बड़े बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। यहाँ आप ये जान लें कि भारत में सबसे अधिक वन जो पूरे राज्यों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। 25वां प्रश्न, डाउन द मेमोरी लेन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? उम्मीद है ये काफ़ी लोग आंसर जानते होंगे, लेकिन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मदर टेरेसा। 26वां प्रश्न, अनुच्छेद 356 के तहत 356 आर्टिकल के तहत राज्यों में स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोक्लेमिनेशन जो होता है वो संसद के द्वारा कितने दिनों के अंदर उसका कंसेंट ले लेना चाहिए? राष्ट्रपति जब शासन 356 के तहत राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इसके लिए संसद से अनुमति जल्द से जल्द ले लेना है, तो कितने दिनों के अंदर ये संसद से कंसेंट ले लेना है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ए ई का मतलब है कि 2 महीने के अंदर आपको संसद से कंसेंट ले लेना है। आज का 27वां प्रश्न, जो अब करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं, आप इस पर ध्यान दें। थाईलैंड की गुफा में पिछले दिनों काफ़ी चर्चा रहा, अखबारों का हेडलाइंस रहा, थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 खिलाड़ी और उसके कोच
को एक साहसिक अभियान के द्वारा बचा लिया गया। वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स आए तब ये बचाया जा सका इन्हें। ये काफ़ी बड़ा हेडलाइन बना था। आपको बताना कि ये खिलाड़ी कौन थे, किस खेल से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल। ये सब अंडर 19 फुटबॉल के खिलाड़ी थे, यंगस्टर्स थे। 28वां प्रश्न, साइकिलिंग का वर्ल्ड रेस, सबसे बड़ा साइकिलिंग का टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस 2018 अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। आपको बताना कि इसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, टूर डी फ्रांस, ए बी सी डी या फिर ई, आप सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा गैरेंट थॉमस। ब्रिटेन के गैरेंट थॉमस ने जीता है। ये दो बार के ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। 29वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जारी किया गया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स किस स्टेट में जारी हुआ है, ए बी सी डी या फिर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में ये जारी हुआ है और इस पर काफी कुछ हल्ला भी हो रहा है। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, 24वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार हाल ही में घोषित हुआ है, यह किसे देने की घोषणा की गई है, ए बी सी डी या फिर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी, मशहूर गांधीवादी नेता हैं, बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे। कल का सेशन आप ज़रूर देखें। उम्मीद है कि यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा डिसीजन लेने में कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनें। यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ध्यान रखें, हमें इजाज़त लें। टेक केयर।